स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो एक रियल स्टोरी पे आधारित है। एक लड़की थी जिसका नाम रितिका था। वो उसकी शादी हुई, उसकी जब शादी हुई तो वो लोग ड्राइव कर रहे थे, तब एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ और उसमें उसका जो पति था वो तो निकल गया, लेकिन वो जो रितिका थी गाड़ी जब पलटा तो उसके अंदर ही रह गई। जब उसको निकाला गया उसके और हॉस्पिटल में लेगा गया तो उसके बैक उसकी उसका जो बैक बोन था वो टूट चुका था और वो अब उसको व्हीलचेयर मिल गया था बैठने के लिए। उसका पूरा हौसला टूट गया था। उसके पास उसके पापा भी तब नहीं थे, उसके पास कोई नहीं था जो उसको हौसला दे, लेकिन एक थी उसकी मम्मी जो उसको हमेशा हौसला देती थी कि बेटा भगवान तुमको ये सजा इसलिए दिए है क्योंकि तुम बहुत बड़ा काम करने के लिए कुछ बन रही हो। ये हमेशा उसको हौसला देती रहती थी। जब उस पर बुरा वक्त गुजरा तो उसका जो पति था वो उसको डिवोर्स दे दिया। बोला इस लड़की में बचा क्या है, अब इसका मैं क्यों खर्चा उठाऊं। और लेकिन असली इंसान तो वो होता है जो आपके अच्छे वक्त और बुरे वक्त दोनों में साथ दे, जैसे उसकी मम्मी। इंसान वो नहीं होता है उसके पति जैसा। उसका पति तो हैवान था कि अच्छे वक्त में उसके साथ और बुरे वक्त में उसे छोड़ दिया। और उसकी मम्मी जब उसको हौसला देती थी तो उसको भी लगा नहीं हम कुछ कर सकते हैं, तो उसने व्हील चेयर में बैठे बैठे पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। और तो वो इतना अच्छा पेंटिंग बनाने लगी, उसका जब पेंटिंग छपा तो उसका जब पेंटिंग छपा तो लोगों को बहुत पसंद आया और उसका जो पेंटिंग है वो अभी देश भर में फेमस है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है, ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है, तो अपने बनाए इस पिंजरे से निकल के तो देख तू अपने आप में एक सिकंदर है।